www.nationalwarmemorial.gov.in and download our app National War Memorial for more updates. Thank you. नीचे वाली, नीचे वाली। राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। यह स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 400 केंद्रीय हितों पर आधारित है, जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से 25 समय पश्चात आप नेक्स्ट वॉक इन समारोह को देखेंगे। जय हिंद। Was dedicated to the armed forces on the arm of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The second layout of the memorial is based on distance given 4 concentric circles depicting the journey of a soldier from his birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness the next of his ceremony. Jai Hind. Jai Hind.
अरे बाबा क्या है क्या यहाँ पे आगे बढ़ेगा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरसने हैं वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक श्रद्धे परिसर भी देश का भक्त वाली गाने से बाकी हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट हाफ के समारोह के दौरान हम यात्री सरकार में ऑपरेशन रक्षक के द्वारा उनकी बटालियन कुपवाड़ा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 56 माउंटेन ब्रिगेड के अंतर्गत तैनात थी और दुश्मन की घुसपैठ जैसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु नियंत्रण रेखा पर कई आत्मवा निरोधी ऑपरेशनों में सक्रिय थी। विभिन्न ऑपरेशन में अव्वल प्रदर्शन करने वाले अनोभी नायक नारायण सिंह बटालियन की घातक टुकड़ी का हिस्सा थे। दिनांक 22 नवंबर 1997 को पुख्ता जानकारी के अनुसार बटालियन के जिम्मेदारी के क्षेत्र में स्थित तराजू गांव में आतंकवादियों की उपस्थिति की सूचना थी। सैन्य योजनाबद्ध कार्रवाई के अनुरूप उनकी घातक टुकड़ी को त्वरित कार्रवाई दस्ते के साथ काउंटर एवं सर्च ऑपरेशन का दायित्व सौंपा गया। नायक नारायण सिंह ने संदिग्ध क्षेत्र में पहुंच दुश्मन की स्थिति का आकलन कर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। इसी बीच दुश्मन ने अंधाधुंध फायरिंग कर बच निकलने का प्रयास किया। इस भीषण मुठभेड़ में सीने पर गोली लगने के कारण नायक नारायण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत ही सैन्य अस्पताल श्रीनगर ले जाया गया लेकिन अति गंभीर रूप से घायल होने के कारण वो सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में सर्वोच्च बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त हुई। देवियों और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश का सम्मान करना है। आज नेक्स्ट हाफ के समारोह के दौरान हमारे इन वीर बलिदानी स्वर्गीय नायक नारायण सिंह आली की पत्नी श्रीमती री माया आली समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय हिंद। लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट ऑफ कैन सेरेमनी एट नेशनल वॉर मेमोरियल कमेमोरेट्स द वैलेंट सर्विस ऑफ ब्रेव फॉलन सोल्जर्स। इन टुडेस नेक्स्ट ऑफ कैन सेरेमनी we remember and honor the selfless service of number 5245099M, late Nayak Narayan Singh Ale. Son of Sri Pehal Singh Ale and Srimati Khum Kumari Ale, Nayak Narayan Singh Ale was the resident of district Samja in Nepal and belonged to the 3rd Battalion of the 3rd Gorkha Rifles Regiment. In the year 1997, during Operation Rakshak, this battalion was deployed at Kupwara sector of Union Territory of Jammu and Kashmir under operational command of 56 Mountain Brigade and was entrusted to establish peace and normalcy in their area of responsibility. On 22nd November 1997, Nayak Narayan Singh Ale was member of elite Ghatak platoon when an input was received about presence of terrorists in the Raju village near line of control. This Ghatak platoon along with quick reaction team established cordon and search operation to neutralize the militants. While they were advancing towards the enemy location, suddenly enemy opened indiscriminate fire on his party.
Thereafter, a fierce battle ensued, in which Nayak Narayan Singh Ale pinned down the enemy with accurate and effective fire. In this exchange of fire, he received a gunshot wound on his chest. He was immediately evacuated to military hospital Srinagar. However, the brave heart succumbed to his injuries, making supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, to honor our soldier is to honor our nation. In today's next opening ceremony, Mrs. Rin Maya Ale, wife of great Nayak Narayan Singh Ale, will pay homage at Amar Jawan Jyoti in the honor of brave foreign soldiers who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें, वज्रधारी सैल्यूट करें, ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। और आई रिक्वेस्ट यू टू स्टैंड इन अटेंशन ड्यूरिंग द फ्लैग लोडिंग सेरेमनी एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड दोज इन यूनिफॉर्म टू सैल्यूट। You are also requested to neither clap nor its slogans during the ceremony. Thank you. बहुत बढ़िया।